गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के मानव भूगोल के तृतीय अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्याय है जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम जिन जिन पॉइंट के बारे में आज बात करेंगे, जो जो हमारे मुख्य बिंदु होंगे, उसमें आपका सबसे पहले होगा कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। उसके बाद होगा लिंगानुपात के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लिंग पिरामिड के बारे में कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लिंग पिरामिड के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, और हम बात करेंगे साक्षरता के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है। इन मुख्य बिंदुओं पर आज का हमारा जो चैप्टर है इन बिंदुओं पर ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं जनसंख्या संगठन से। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या संगठन से तात्पर्य मानव संरचना, मानव जनसंख्या की संरचना से है। अर्थात क्लार्क महोदय ये कहते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन वो कहते हैं कि जनसंख्या संगठन में वे सभी तत्व आते हैं जिनकी हम माप कर सकते हैं। क्लार्क महोदय कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्लार्क महोदय ये कह रहे हैं कि जनसंख्या संगठन के अंतर्गत उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी हम माप कर सकते हैं। ठीक है, वो तत्व क्या क्या हैं? जैसे लिंग, आयु, भाषा, धर्म, व्यवसाय के प्रकार आदि। इन सभी तत्वों को हम क्या करते हैं, इनकी हम माप कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि जब जनगणना जनगणना के लिए आते हैं आपके पास, तो आपसे पूछते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका धर्म क्या है, ठीक है, आपकी जाति क्या है, ठीक है, आप में आपके वहाँ लोग कार्यों में संलग्न है नहीं है, ठीक है, इन सभी तत्वों को, ठीक है, साक्षरता कितना है, आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन सभी तत्वों का जो हम अध्ययन करते हैं वो जनसंख्या संगठन है। ठीक है, उस जनसंख्या संगठन का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के उन सभी तत्वों को, ठीक है, जनसंख्या से जुड़े हुए सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या संगठन में। आइए शुरुआत आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये है कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को हम लिंगानुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे? जैसे हमारे जो भारत में इसको निकालने का जो सूत्र है, ठीक है, ये है कि प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखते हैं सूत्र ये होता है लिंगानुपात बराबर, भारत के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि लिंगानुपात कैसे निकालते हैं। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे आता है कि लिंगानुपात निकालने का सूत्र क्या है, लिंगानुपात निकालने का जो मापन है वो किस मापन के द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है, आपको लिखना है। ठीक है, लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। यानी हमारे भारत में लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात को व्यक्त करती है। अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व के संदर्भ में जो लिंगानुपात है वो है 990 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, अगर आप अभी लेटेस्ट आंकड़े देखते हैं तो वर्तमान में जो आंकड़े हैं विश्व में 993 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। ऐसे अगर हम बात करें हमारे भारत के जो लिंगानुपात है वो 2011 के अनुसार वो है 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। ध्यान से सुनना, भारत का जो लिंगानुपात वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार है वो है 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो विश्व का सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला जो देश है, विश्व का सबसे उच्चतम, सबसे अधिक लिंगानुपात में बात कर रहा हूँ, वह लाटविया है। आप पीछे देख भी रहे हैं, हमारे स्क्रीन में चला हुआ है। ठीक है, आपको लाटविया का एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, जो कि यूरोप में एक देश है। ठीक है, बाल्टिक सी के पास पड़ता है। ठीक है, बाल्टिक सी के पास ही आपका लाटविया पड़ता है। आप ध्यान से देखिए इस मैप में, तो लाटविया वह देश है जिसकी जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियाँ हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा शैक्षिक स्तर होगा। ठीक है, शिक्षा का स्तर उच्च होगा। ठीक है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएँ हैं।
वही अगर हम बात करें सबसे निम्नतम जो लिंगानुपात है वो है संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का है। और ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का है, यहाँ पर को जो लिंगानुपात है सबसे निम्नतम है 468। ठीक है, जो हमारा लिंगानुपात है वो 468 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। ठीक है, तो काफ़ी निम्न दशाएं हैं। इसका मुख्यतः जो कारण हो है वो मुख्यतः है कि निम्न निम्न महिला जन्मदर, ठीक है, निम्न जन्मदर है यहाँ पर को। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होगी यहाँ पर को, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, जनजागरण अभियान अच्छा नहीं होगा, ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान में ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। ठीक है, महिलाओं के प्रति उतना सम्मान नहीं होगा। ठीक है, तो आपके इस प्रश्नावली में भी दो प्रश्न हैं। मैं लगातार आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो कौन सा है, लाटविया आपका सही उत्तर है इसमें, आपके ऑप्शनल में है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि सबसे निम्नतम जो जनसंख्या है वो किस देश की है और वो क्या कारण है। ठीक है, तो वो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है। और कम होने का जो कारण है वो निम्न जन्म दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयु संरचना। ठीक है, आयु संरचना क्या होती है, आयु संरचना में मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित करते हैं। देखो, जनसंख्या है, जनसंख्या में क्या है, विभिन्न आयु वर्ग हैं। ठीक है, तो तीन मुख्यतः आयु वर्ग हैं। एक है आपका वयस्क, ठीक है, सबसे पहले आता है बाल आयु वर्ग, सबसे पहले आता है बाल आयु वर्ग, और दूसरा आता है वयस्क आयु वर्ग, और तीसरा आता है वृद्ध आयु वर्ग। ध्यान से सुनने का, पहला है बाल आयु वर्ग, दूसरा है वयस्क आयु वर्ग, और तीसरा है आपका वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आयु वर्ग है वो आपका दूसरा है, कौन सा है, वयस्क आयु वर्ग। ठीक है, यानी जो 15 से 59, ठीक है, 15 to 59 year old, ठीक है, यानी 15 से जो 59 year जो साल वाले हैं, आयु वर्ग वाले हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि उससे जो छोटे हैं यानी बाल आयु, वो तो डिपेंड करता है वो किस किस में डिपेंडेंट है, वो किस में किसके प्रति डिपेंडेंट है, वो है 15 से 59 में ही वो भी डिपेंड है। उसके जो वृद्ध हैं, वृद्ध भी किस पर डिपेंड है, वो इसी आयु वर्ग में है, वयस्क में ही वो डिपेंडेंट है। जी, ध्यान से सुनिएगा। तो जो 15 से 59 आयु वर्ग का जो है, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यशील जो अगर हम युवा कहें तो यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। जी, आगे ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है जी, ठीक है, आयु लिंग पिरामिड यह है, ये जनसंख्या की संरचना को दर्शाने के लिए काम आता है। ठीक है, जनसंख्या की संरचना को दर्शाने के लिए काम आता है। और जनसंख्या की विशेषताओं का हमें, जनसंख्या की विशेषताओं, ठीक है, जनसंख्या की जो आकृति होती है उसकी विशेषताओं को परिलक्षित करता है हमारा आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड जो होता है, अगर हम इसके बाईं ओर देखें, ठीक है, इसके जो अगर हम बाईं ओर देखें तो ये पुरुषों को इंडिकेट करता है, और जो दायां जो इसका भाग है वो स्त्रियों को इंडिकेट करता है। मुख्यतः तीन प्रकार के आयु लिंग पिरामिड की हमारे इस अध्याय में बात हुई है। सबसे पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। ठीक है, विस्तारित होती जनसंख्या का जो हमारे पास जो उदाहरण है वह है नाइजीरिया। उसके बाद जो दूसरा है वह है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या जो लिंग पिरामिड है उसका जो हमारे पास जो उदाहरण है वो ऑस्ट्रेलिया है जी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा जो आपका है वो ह्रासमान जनसंख्या है। ह्रासमान जनसंख्या का जो हमारा उदाहरण है आयु लिंग पिरामिड का वह जापान है जी। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। जो है नेक्स्ट टॉपिक है वह है ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण और नगरीय जो लोग हैं उनमें ये सामाजिक सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अंतर है। ठीक है, कैसे भैया, उनकी मूलभूत सुविधाएं के अनुसार। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता होगा उसकी कुछ अलग व्यवसाय होगा, उसके रहन सहन का तरीका अलग होगा। जो ग्रामीण जो नगरीय क्षेत्र में रहता है उसका रहन सहन, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति, वो दोनों अन्य होंगी। ठीक है, मुख्यतः हम बड़े शॉर्ट में समझते हैं। तो जो आपका ग्रामीण संगठन है उसमें जो लोग होंगे उनकी जो आर्थिक क्रिया होंगी वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर होंगी। ठीक है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर होंगी, यानी हम ये कह सकते हैं वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा संलग्न होंगे। ठीक है, खनन आदि क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। और जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ के जो लोग मुख्यतः
वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होंगे। ये मुख्यतः ये मुख्य परिभाषा है आपकी ग्रामीण क्षेत्र की, यानी यह प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होंगे, और जो नगरीय जो क्षेत्र है वहाँ के लोग गैर गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह साक्षरता। साक्षरता जो है वो किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, इस स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग होंगे तो वहाँ का आर्थिक विकास, वहाँ का सामाजिक विकास, ठीक है, वहाँ का अन्य जो विकास होगा वो हमारे साक्षरता पर बहुत अधिक आश्रित है जी। ठीक है, हम अगर हम बात करें भारत में, भारत में साक्षरता कैसे आप मेजर करोगे, ठीक है, क्या इसका जो पैमाना है, तो भारत में जो साक्षरता मापने का जो तरीका है वो सरकार ये कहती है, ठीक है, वो ये कहता है कि जो जो लोग 7 वर्ष के हैं और जिन्हें लिखना पढ़ना आता है और जो अंक गणितीय समझ रखता है वो साक्षर कहलाए। ध्यान से सुनना, भारत में साक्षरता की जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि 7 वर्ष आयु के वे सभी लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं और जिन्हें अंक गणितीय ज्ञान हो, यह भारत में परिभाषा है साक्षरता की। अन्य देशों की अलग अलग अपनी परिभाषा रहती हैं, वो आपको नेक्स्ट हमारी जो अन्य क्लासे हैं उसमें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल जो आपके अध्याय में है वो यही है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत में 7 वर्ष की आयु के जो लोग भी पढ़ना लिखना जानते हैं, अंक गणितीय ज्ञान जिन्हें है, वो साक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, ठीक है, व्यावसायिक संरचना में संलग्न रहना। व्यावसायिक संरचना में संलग्न रहने का तात्पर्य यह है कि वह आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है और जिनके द्वारा उन्हें आय की प्राप्ति हो रही है, यह जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना है। मुख्यतः व्यावसायिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मुख्यतः व्यावसायिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में बांटते हैं, नंबर 1 प्राथमिक क्रिया, नंबर 2 द्वितीय क्रिया, नंबर 3 तृतीय क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं, प्राथमिक क्रिया में प्राथमिक कारक जो मुख्यतः है उसमें हम शामिल करते हैं कृषि को, खनन को, ठीक है, मत्स्य पालन को, ठीक है, उसके बाद जंगलों से जो भी हम चीज़ें उठा रहे हैं, ठीक है, जंगलों से एकत्रित की गई हुए वस्तुएं, ये सभी हमारी प्राथमिक चीजों में आ गई। द्वितीय चीजों में क्या आती हैं, इन जो इन चीजों को हमने एकत्रित किया उन्हीं का रूप, कैसे, जैसे हमने कहा कि विनिर्माण उद्योग, गृह उद्योग, सड़क उद्योग, ठीक है, सड़क निर्माण, ठीक है, सड़क निर्माण। और जो तृतीय जो हमारे हैं उसमें हम किन चीजों को लेते हैं, उसमें हम लेते हैं परिवहन को, ठीक है, जो हमारी परिवहन है, उसके अलावा संचार को, इन सभी चीज़ों को हम तृतीय क्रियाओं में लेते हैं। चतुर्थक भी होता है, चतुर्थक में जो हमें मुख्यतः उच्च शिक्षाएं और तकनीकी ज्ञान को हम लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा, तो यही निवेदन है आप सभी से, जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो वह जुड़ें, और जो जुड़े हैं वो अपने अन्य जो साथी हैं उनको बताएं कि हमारे द्वारा जो कक्षाएं हैं नियमित रूप से विषयवार आपको कक्षाएं दी जा रही हैं, तो आप घर बैठे हुए इन कक्षाओं का आनंद लें, और आशा करते हैं कि आप जरूर कुछ ना कुछ घर में रहते हुए सीखेंगे, आपका तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भाषाई ज्ञान बढ़ेगा, आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा जी। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आशा करता हूँ कि आपको जो पाठ है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद एक बार, नमस्कार पुनः आप सभी का, अच्छा लगा लोग जुड़े हमसे।